श्री संजय, श्री संजय उदयनिया, आरक्षी यातायात लखनऊ। शुभम सोती फाउंडेशन का संस्थापक हूँ और ये हमने 2010 में इस संस्था को शुरू किया। ये शुभम मेरे बेटे का नाम है जिसका एक रोड एक्सीडेंट में 15 जुलाई 2010 को देहांत हुआ था। उसके बाद हमने ये निश्चय किया कि शुभम के नाम से कुछ सड़क सुरक्षा जागरूकता पर कुछ ऐसा काम करें जो घटना हमारे साथ हुई है किसी हद तक किसी औरों के साथ रोक पाए। उसी कड़ी में पिछले 9 साल से हम ये 5 जनवरी शुभम के जन्मदिन के अवसर पर हम ये हर साल इसको रोड सेफ्टी अवेयरनेस के नाम से मनाते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये मंत्री जी, हाँ, ये जो है रोड सेफ्टी, ये हम आज यहाँ से फ्लैग ऑफ होगा 10:90 से और ये लोहिया पार्क तक जाएगा और इसके माध्यम से यहाँ पर क्विज है रोड सेफ्टी के ऊपर। उसमें लोग हम लोग सवाल पूछेंगे बच्चों से रोड सेफ्टी के और उनको प्राइज देंगे। ये एक जागरूकता का एक तरीका है और 10 ट्रैफिक पुलिस वालों को सम्मानित करेंगे प्रतिवर्ष की तरह। कुछ बोलते रहो भैया, आप लोग किस चीज़ के लिए आज आए हो? सेफ्टी, किस चीज़ की सेफ्टी? कहाँ कहाँ से आए हो आप लोग? मदर पर प्रयास होते और सर हम लोगों को बहुत बड़ा दुख इसके लिए उठाना पड़ा। हमने अपना बच्चा एक रोड एक्सीडेंट में खोया लेकिन हिम्मत और हौसला हम लोगों ने नहीं खोया। प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि हम लोग कुछ कर सके जो तो हमारे को ना हो। सर इसी श्रीमती रमा तिवारी जी जॉइंट सेक्रेटरी जॉइंट कोऑर्डिनेटर चीफ कोऑर्डिनेटर और सम्मानित करते चले आए हैं जो अपना अच्छा विशिष्ट योगदान हमें उल्लेखनीय सहयोग के लिए आज शुभम सोती आपको सम्मानित कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप उसको ऐसे ही सहयोग करेंगे। श्री राजेश कुमार सिंह एसआई की लखनऊ, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। श्री जय हिंद विश्वकर्मा, अभी देखिएगा मोबाइल ऊपर मीडिया बंधु कृपया सरिता देखिए। श्री बलराम सिंह एसआई यातायात, श्री राजेश गौतम जी, श्री विनीत कुमार जी आरक्षी यातायात, श्री राजेश गौतम जी, श्री विनीत कुमार जी आरक्षी यातायात। गलत जवाब और चीटिंग करने की कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से सभी लोग हैं, मिनिस्टर साहब खुद ही हैं। तो गलत जवाब और चीटिंग करने की कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से सभी लोग हैं, मिनिस्टर साहब खुद ही हैं। तो आप श्री राजेश गौतम आरक्षी यातायात लखनऊ, राजेश गौतम जी प्रॉब्लम है पीछे आगे आने के लिए। अरे सर आगे आइए, प्राइस देते हुए अरे बाल देख लीजिए, और दो आ गए, हां बुला लो बुला लो। स्कूल छोड़े बहुत दिन हो गए, स्कूल के बच्चे खेल लेते हैं नहीं, और जितने लोग सम्मान हुए सब लोग कृपया कर आ जाएं। कितना ये जागरूकता है कि कितनी अवेयरनेस क्रिएट करेगा इस तरह के प्रोग्राम से? डॉक्टर सोती जी द्वारा जो अभियान समय समय पर चलाते रहते हैं और रास्तों में रोड सेफ्टी एक जन आंदोलन, समाज के सभी वर्ग जुड़े और समाज में जन जागरण, इसके लिए डॉक्टर सोती जी ने जो अभियान चालू रखा है और परमानेंट चलाते रहते हैं इनकी संस्था के द्वारा, मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरह यदि समाज के सभी वर्ग यदि सतर्क रहेंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे, उनका जन जागरण करेंगे तो इससे दुर्घटना कम होगी।
यानी हेलमेट लगाकर चलना, सीट बेल्ट लगाकर चलना, जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान देना, रोड क्रॉस करते समय ध्यान देना, मोबाइल पर बात नहीं करना और शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना, स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना। ये सभी बिंदुओं का यदि हम ध्यान देते हैं तो दुर्घटना कम होगी, एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन हेलमेट लगाएंगे तो मृत्यु दर कम होगा। इसलिए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए सभी विभाग, जो भी विभाग इसमें सम्मिलित है, वो सभी विभाग जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं और इसको और बड़े पैमाने पर चलाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ के ऊपर है। इसलिए गांव-गांव तक ये जन आंदोलन कैसे बने इसकी चिंता करना चाहिए। इस अवसर पर मैं आज आया हूँ और डॉक्टर साहब को भी, इनकी पूरी टीम को भी हृदय से अभिनंदन, इनका स्वागत करता हूँ और मीडिया आप सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। आपके माध्यम से जो प्रचार प्रसार होता है, इसलिए आप सबका भी स्वागत।